हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। द वन नेक्स्ट प्ले दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज स्मोक स्क्रीन्स, वाज रिटन बाय हिरोद ब्रिगहाउस। हिरोद ब्रिगहाउस वाज एन इंग्लिश राइटर एंड ही वाज बोर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1958। किंग्सटन फ्लैट लंदन के एक मशहूर इलाका है, यूं कह लें हिस्टोरिकल प्लेस है। ये कहा जाता है कि मलका है विक्टोरिया की जो बर्थ प्लेस है वो भी यही थी, यही से मुराद है। इस एरिया में बिल्डिंग थी, अब ये 1760 से पहले की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ फ्लैट बन चुके हुए हैं, उन्हीं एक फ्लैट में ये रह रही है। एक उसका पूरे फ्लैट तो नहीं बताया गया, उसका एक कमरा है, सिटिंग रूम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और सिटिंग रूम में क्या क्या है वो मैंने आपको लिख दिया, अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल समथिंग अबाउट द करेक्टर्स। इस घर में दो लोग रहते हैं, एक माँ है और इसकी बेटी है। माँ ने अपने खावंद को डिवोर्स दे दी हुई है, तलाक दे दी हुई है 15-20 साल पहले। तो अब वो दोनों माँ और बेटी इस घर में रह रहे हैं। माँ का नाम लूसी है और बेटी का नाम प्रिमरोज है, और दोनों मैंने लिख दिए हैं यहाँ। ऑस्टन फैमिली, चूंकि जिस तरह हम कहते हैं गुराया फैमिली है, जट फैमिली है, इस तरह ज़ाहर उनकी ऑस्टन फैमिली होगी। तो लूसी ये चार्ल्स उसका खावन था जिसको ये डिवोर्स दे चुकी हुई है। अब ये अकेली है घर में 20 साल से, और प्रेमरोज उसकी बेटी है। ये दो लोग घर में रह रहे हैं और इनको मिलने के लिए इस लूसी की बहन यानी के प्रेमरोज की खाला वो गांव से आई हुई है यहाँ रहने के लिए कुछ दिन। इसको मिलने आई है, उसके मिलने का मकसद क्या है वो भी आपको ड्रामे में पता चल जाएगा, प्ले में पता चल जाएगा। और वो आके 50 ईयर की ओल्ड की बड़ी बहन है वो, इसकी अम्मी लूसी जो है वो 40 ईयर की है, और जो खुद जो प्रिमरोज है ये 20 ईयर की यंग और एनर्जेटिक गर्ल है। तीन लोग हैं, तीनों फीमेल हैं, क्लियर। अब वो गांव से आई हुई है, उसके दो बेटे हैं और खावंद है वो गांव में होते हैं। ये क्यों आई है, क्या आई, इसका एक और मकसद है। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। जब ये पहले थोड़ा सा घर का देख लें कि उसका सीन क्या है, घर कैसा है, कमरा, जिस कमरे में ये पूरा ड्रामा फुलवाया जा रहा है वो कमरा कैसा, वो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि उसमें वुमेन रूम है। ये वुमेन रूम इसलिए कहा है कि उसमें हर चीज़ औरतों के हिसाब से सेट की गई है, बिकॉज देयर वाज नो मेल मेंबर इन द हाउस। घर में कोई मेल मेंबर नहीं था, तो नो साइन ऑफ मैस्कुलिन यूज, उसमें कोई मर्दों वाली कोई ऐसी चीज नहीं जिससे पता चले कि यहां मर्द भी रहते हैं। फिर डोर बैक हॉल, जो दरवाजा खुलता है उसके पीछे हॉल होगा जहर है, और कह रहा है विंडो है, उसके बाद कर्टन है, विंडो के साथ कर्टन है, टेबल है, और टेटल एक मैगजीन है जो मंथली छपता है वहाँ, वो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए ये सारी चीज़ें यूज में आएंगी जब आप पढ़ेंगे। तो सिगरेट बॉक्स है, जहर है, सिगरेट पीते हैं फिर ये, और एस्ट्रे भी है वहाँ, सिगरेट पियेंगे तो एस्ट्रे भी रखेंगे। फिर मैच होल्डर है, मैच होल्डर के माचिस की डिब्बिया रखने के लिए होल्डर होगा। फिर है बुक केस है जिसमें कुछ नॉवल पड़े हुए हैं, क्लियर। वेल वॉल कैबिनेट है, दीवारों के ऊपर कैबिनेट बनी है दीवार के साथ। ग्रामोफोन है गाने बजाने के लिए। स्मॉल टेबल है जिसके ऊपर वेस और फ्लावर पड़े हुए हैं, गुलदान पड़ा हुआ है। अ लार्ज सेटी है, सेटी कहते हैं सोफा, एक बड़ा सोफा है जो डायगोनलिकल वहां पड़ा हुआ है। फिर अपहोल्स्टर्ड चेयर हैं, ऐसी कुर्सियां जिनके ऊपर कवर चढ़े हों, वेलवेट के कवर चढ़े हों, ऐसी कुर्सियां वहां हैं। फिर उसने कहा है आप पॉफ भी एक छोटा सोफा है, जरा थोड़ा सा नीचे होता है। फिर उसने कहा इलेक्ट्रिक लाइट्स ऑन वॉल, दीवारों पे इलेक्ट्रिक लाइट लगी हुई हैं। घर द रूम इज वेल डेकोरेटेड विद द लाइट्स, इट इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट। और साथ उसने कहा है एक कोने में वो लैंप पड़ा हुआ जिसके ऊपर शेड भी है, और साथ एक दीवार के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है देखने के लिए, यूं कह लें कि उनका ड्रेसिंग रूम होगा। ये थोड़ा सा कमरे का हाल है। मैं आपको बता चुका हूं कि लूसी जो है वो इस घर की मालकन है और प्रिमरोज उसकी बेटी है। दो करेक्टर के बारे में फोकस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लूसी ने 20 साल पहले अपने खावंद को तलाक दे दी थी, और इसके पास सिर्फ एक कार थी, वो कार चला के तो उसने अपना गुजारा किया, और जिसने अपनी बेटी को परवान चढ़ाया, बेटी बड़ी हो गई अब, तो अब उसकी शादी की बात आ रही है, इसी के ऊपर सारी डिस्कशन होगी कैसे होती है। लेट अस मूव टूवर्ड द वन एक्ट प्ले दैट इज स्मोक स्क्रीन्स। देखें स्मोक कहते हैं धुएं को, स्क्रीन कहते हैं पर्दा। अब टीवी देखते हैं, टीवी की स्क्रीन है आपको क्लियर नजर आती है,
अगर उसी स्क्रीन के आगे कोई धुआं आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा या फोग आ जाएगा या कोई कुछ ऐसी डार्क चीज़ आ जाएगी तो आपको वो तस्वीर धुंधली नज़र आएगी, क्लियर नहीं नज़र आएगी। तो यही बात यहाँ कह लें आप, जो करेक्टर हैं दे प्ले डबल रोल। डबल रोल इस सेंस में है कि जो हैं वो नज़र नहीं आते, जो नज़र आते हैं वो है नहीं। और हमें ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने गम परेशानियाँ छुपा कर जो नज़र आते हैं वो होते नहीं। इन सारों को उसने देखे स्क्रीन्स लगाया है, एक स्क्रीन ही लगाया उसने। इट मीन वी आर ऑल इन दिस वे। हम सारे किसी ना किसी तरह से स्मोक स्क्रीन में हैं। और आपने एक और भी पढ़ा था द हॉलो मैन, हम खोखले मैन हैं। तो जो है वो नज़र नहीं आता, इसके तीन मतलब हैं यहाँ स्मोक स्क्रीन के। एक तो तजाद है, जो इधर है जो वो कहता है वो होता नहीं है। और दूसरा कंट्राडिक्शन है दोनों में, एक बात कुछ करता है दूसरा बात कुछ करता है। जिस तरह गांव और शहर की ज़िंदगी में कंट्राडिक्शन है, वो भी इसी का मतलब है, लिखा भी है मैंने इधर। और उसके बाद जो है उसमें आर्टिफिशियलिटी नज़र आएगी आपको। आर्टिफिशियलिटी जो होती है वो भी स्मोक स्क्रीन ही होती है, जो आप होते हैं वो नज़र नहीं आते। और कंट्राडिक्शन भी नज़र आएगी, अपोजिशन भी नज़र आएगी, अपोजिट कि मुखालफ हैं एक दूसरे के। कैसे हैं, आइए इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लें, मैंने आपको बताया था इस फ्लैट में लूसी 40 साल की लूसी है और वो केपेबल है और वो हैंडसम कहा गया उसको। हैंडसम क्यों कहा गया इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आदमियों के लिए हैंडसम लगता है, औरतों के लिए ब्यूटीफुल लगता है। वो औरत है लेकिन उसको हैंडसम कहा गया, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि उसने अपने खावन से तलाक लेने के बाद, और उसने अपने खावन से जिसे हम कहते हैं ना कि एलुमनी जिसे कहते हैं कि तलाक के बाद जो खावन खर्चा देता है ना, खर्चा देता है वाइफ को, उसे एलुमनी कहते हैं। उसने वो भी नहीं लिया, उसने कहा नहीं मैं आपका एहसान नहीं लूंगी, मैं खुद अपनी बेटी को पाल सकती हूं। और उसने पाला अपनी बेटी को। और अब सोसन जो है उसके दो बेटे हैं, वो गांव से आई, वो चाहती है कि मेरी बेटे के साथ इसका रिश्ता हो जाए। लेकिन वहां आपको पता है कि यूरोपियन सोसाइटी एक जिसे कहते हैं फ्री सोसाइटी है, उसमें किसी को आप प्रपोज कर सकते हैं लेकिन प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ऐसे यहां हुआ है, वो आई है लेकिन खाली हाथ वापस गई है, इसकी शादी कहीं और हो जाएगी, यही कहानी है, बस कहानी खत्म हो जाती है। असल में इसमें जो एक सीरियस मैटर है ना सोसाइटी का, वो डिस्कस किया गया है। अब होता यह है जब पर्दा उठता है, यहां से हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं, जो सारा पीछे था बैकग्राउंड था। जो ही वो कमरे का पर्दा उठता है तो हमें सूजन नजर आती है। सूजन मैंने कहा ना खाला है, गांव से आई हुई है, 50 ईयर ओल्ड की एज है, जाहिर अपनी एज के लिहाज से बात करेगी ना, वो सियानी है, बड़ी है तो बड़ी बात ही करेगी। तो वो थोड़ी सी रिलीजियस टाइप दिखाई गई है, थोड़ी नेक भी दिखाई गई है। और वो अब देखें जब शुरू हुआ पर्दा खुलता है तो वो आपको मैंने पहले बताया कमरे में एक ये ग्रामोफोन भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर म्यूजिक टच करती, म्यूजिक चलाती है। वो कौन सा म्यूजिक है, पहला गाना जो आता है ना, पहला म्यूजिक है जिसे कहते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रा प्रलूड, वो ये है द राइड ऑफ द वाक्रीज। बस इतना आप याद रखें, ये एक हिस्टोरिकल सेंटेंस है। वाक्री कहते हैं, मैंने लिख भी दिया है, चूजर ऑफ स्लेन। असल में इनका ना जिसे हम कहते हैं नॉर्वेजियन का जो गॉड है ना, क्योंकि ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो तीन लोग हैं दुनिया में, एक गॉड्स हैं, एक जिन हैं और एक इंसान है। और गॉड सबसे आला है और जिन जो है उससे लोअर है, इंसान उससे और लोअर है। तो ये कहते हैं गॉड्स जो है वो दुनिया को चला रहे हैं, इनके गॉड्स। उनमें जो नॉर्स का जो गॉड था ना, लिखा मैंने नाम उसका ओडन, ये हेड है, चीफ है, जिसे कहते हैं फादर ऑफ ऑल द गॉड, दैट इज ओडन। उसने अपनी एक टीम बनाई हुई है, जिस तरह हम देखते हैं ग्रीक में देखें तो ज्यूस है, वो भी लिखा मैंने, ग्रीक में ज्यूस जो है इट इज हेड ऑफ द गॉड्स का हेड है, वो फादर ऑफ द गॉड है। और इसी का बेटा था ना हरकुलिस, जिसे हम कहते हैं हरकुलियन टास्क, इडियम भी है हरकुलियन टास्क, बड़ा मुश्किल काम, इसी का बेटा था वो। तो ये ग्रीक के थे लेकिन मैं बात कर रहा हूं ओडन की। ओडन ने अपनी एक टीम बनाई हुई है औरतों की, मिडन औरतों की, जवान औरतों की, जो घोड़े पे आती हैं, उसकी सर्विस करती हैं, खिदमत करती हैं और उसके काम करती हैं। तो ये ऐसी टीम की बात कर रहा है, मैंने कहा राइड कहते हैं घोड़े की सवारी को। वक्रीज कहते हैं कि वो जो जंग में शहीद हो जाते हैं ना लोग, उनकी लाशें उठाने आती है वो टीम, यंग फीमेल
मेडन की एक टीम वो लाशें ठाने आती है और लाशें ठा के कहाँ ले जाती है, लाशें ठा के वलहला में ले जाती है। वलहला उनकी पैराडाइज कह लें, जन्नत कह लें आप, तो वो वहाँ लेके जाती है। ये इस टीम का ये गीत है, यूँ कह लें कि मजहबी गीत है, तो मजहबी एक जिसे कहते हैं म्यूज़िक है, वो उसने लगाया हुआ है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है उसकी मैंटेलिटी का कि वो थोड़ा सा मजहबी टच दिया गया है। और जब ये सुनड़ी होती है, साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो प्रिम रोज़ अंदर आती है। प्रिम रोज़ की उसकी नीस कह लें, उसकी भतीजी कह लें, प्रिम रोज़ 20 ईयर की यंग है, एनर्जेटिक है और पूरे उसने ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है फुल तरीके से। सारा दिन बाहर रहती है, क्लबों में जाती है, नाइट क्लबों में जाती है, स्मोकिंग करती है, दोस्त भी बनाए हुए हैं और जो है ना वो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वो कमरे में आती है, नाउ शी इज़ गोइंग आउट साइड द हाउस, घर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसका पर्स जो है वो गुम हो गया है। पर्स ढूंढती आ रही है, अपनी खाला से पूछती है, खाला मेरा पर्स गुम हो गया है, हैव यू सीन एनी वेयर? वो कहती नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हालांकि उसने वो जिसे हम कहते हैं ना इंटेंशनली वो पर्स छुपाया था। क्यों छुपाया था मैंने आपको बता दिया है कि वो रिश्ता लेके आई बेटों का और वो चाहती है कि मेरे साथ बैठ के बात करे, मैं इसको पहले कन्विंस तो करूँ ना, क्योंकि रिश्ते के लिए माँ बाप से ज़्यादा लड़के लड़की को कन्विंस करना होता है। उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने वो कहती है कि मेरे पास बैठे, लेकिन वो बैठती नहीं है, वो पर्स ढूंढने लग जाती है। तो वो कह रही है ऐसी चली जाओ, क्या था तुम्हारे पर्स में? उसने कहा मैं ऐसे नेकड ही चली जाऊँ, नेक का मतलब विदाउट मेकअप चली जाऊँ मैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं बगैर मेकअप पर जाऊँ? उसमें कहती मेरी लिपस्टिक थी और मेरी जो थी ना 3 pound कैश भी था मेरा उसके अंदर। और उसने कहा था गर्लिश सीक्रेट थे मेरे, गर्लिश सीक्रेट औरतों के सीक्रेट क्या हो सकते हैं, जो भी आप समझते हैं मेकअप से रिलेटिवेंट ही होंगे ना, वो सारा कुछ उसमें था। अब वो ढूंढती है, नहीं मिलता, तो वो उसकी टेबल के ऊपर उसकी मामा के सिगरेट पड़े होते हैं, वो सिगरेट लेती है मामा का सिगरेट और सिगरेट लगाती है, वो पीती है और पी के ना उसको थोड़ा सा वो बिटर बिटर लगा है। और मैं लिखा है वो सेंटेंस जो मैं समझता हूँ की सेंटेंस है वो मैंने लिखे हैं आपके लिए। उसने ये लिखा है, उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, कहती है तो महंगे ये, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है, बट एंड टेस्ट लाइक ऑल द सिंथ एशिया, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल एशिया जैसा है, सिंथ एशिया कहा उसने को, बुरा उसको लगा है। क्यों बुरा लगा मैं ये भी आपको बताता हूँ। देखें जो बड़े होते हैं या बूढ़े होते हैं वो थोड़ा सा तेज सिगरेट पीते हैं, तंबाकू तेज़ होता है उनका, और जो यंग होते हैं थोड़ा सा लाइट पीते हैं। तो एशिया चूंकि हमारा जिसमें साउथ एशिया कह लें, जनूबी एशिया कह लें, जिसमें हम लोग हमारे ज़िम्मेदार तेज़ हुक्का पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, उनकी तेज़ होती है, स्मेल भी तेज़ होती है उनका जो है ना, तो वो लाइट नहीं पीते। और जो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा लाइट सिगरेट पीते हैं, तो उसको पी के अच्छा ही लगा। उसने कहा है तो महंगा लेकिन ये सिंस एशिया जैसा है, जबकि मैं पीती हूँ प्लेयर जो है वो आला किस्म का सिगरेट है, जो कम बिटर होता है, सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है। वो कह रही मैं वो पीती हूँ, प्लेयर्स पीती हूँ। ये सारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। और ये बातें हो रही हैं, फिर उसकी मामा आ जाती है, उसकी मामा यानी कि लूसी आ जाती है कमरे में। लूसी मैंने बताया 40 साल की हैंडसम है, हैंडसम इसलिए कहा गया है कि उसने आदमियों की तरह जो है अपने हालात को फेस किया है, आदमियों की तरह उसने एक कार थी उसके पास, जब उसने खामस को डिवोर्स दी है उसने एक कार से दो कारें, दो से चार, फिर एक गैरेज बना लिए, एक गैरेज से दो गैरेज बना लिए, दो गैरेज से तीन गैरेज बना लिए। तो यही तो उसने कहा, ये बात उसने की भी है, उसने कहा लाइफ इज फाइटिंग बैक एट मी थ्रू प्रिम रोज, कहती मैं प्रिम रोज के जरिए अपनी लाइफ से लड़ी हूँ, कहता है मैंने आदमियों के साथ ही शिकस्त दी है। वो सेंटेंस लिखा भी है मैंने, आपको बताता हूँ मैं। तो अब ये बातें हो रही हैं, तो अब जो मैंने आपको बताया था कि सुजन ने उसका बैग खुद छुपाया था, अब वो कहती आंटी जरा खड़े होना, आपके नीचे तो नहीं है, आंटी वाकई देखती तो उसके नीचे होता है। तो अब वो अपना बैग लेके चली जाती है। अब पूरे के आपकी बुक के पूरे 11 pages जो है ना दोनों बहनों की बातें हैं और कुछ नहीं है, दोनों बहनों की बातें हैं। क्या क्या बातें हैं उसमें, कुछ वो पूछती है कि तुमने जो तलाक दी अपने खावंद को, डिवोर्स दिया है, इसका अपनी बेटी को बताया है कि उसमें किसका कसूर था, हु वाज डिफॉल्टर? उसने कहा कि बेटी को ऐसी बातें नहीं मैंने बताई, अगर मैं बेटी को कहती हूँ वो गलत है तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं कहूँ कि योर फादर वाज रास्कल
योर फादर वॉज इनसिंसियर विद मी, इसका मतलब है तुम एक इनसिंसियर और रास्कल की बेटी हो, मैं ये कहूँगी उसको। देखिए कितनी अच्छी बात है, तरबियत करते करते अपनी गलतियाँ बच्चे के आगे नहीं लाना चाहती वो, क्योंकि हमें होता है कि अपनी गलती को सुधारने के लिए दूसरों पे डाल देते हैं या दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। उसने अपनी बेटी को भी इन्वॉल्व नहीं किया कि उसके दिल में बाप के बारे में गलत बात ना जाए। अब दूसरा बात यह है कि लेकिन बच्ची को सारा कुछ पता है, कैसे पता है वो अलग से पता है। अब वो कहती मैंने उसको नहीं बताया, तुम भी ना बताना कुछ। मैंने उससे कहा था बस घरेलू हालात ठीक नहीं, इससे तलाक हो गई हमारी, बस लाइटली बात की मैंने, उससे और कोई बात नहीं की। तो वो कहती है मैं आपको आपके बेटे के लिए बात करना चाह रही हूँ। तो वो कहती देखिए यहाँ की बेटी लंदन की उठ के गाँव में जाएगी ये पॉसिबल नहीं है, माँ को भी पता है पॉसिबल नहीं है, थोड़ी सी तलख कलामी भी होती है। उसने कहा था कि तुमने बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, क्योंकि वो स्मोकिंग करती है, उसकी कहती है जो हैंडबैग उसमें मैंने एक और चीज़ भी देखी है, लचकी भी देखी है, लचकी कहते हैं जंजीर वगैरह हाथ पे बांधने के लिए, वो एक अलग उसका यूज़ है यूरोपियन सोसाइटी में, ये जो लोग आज़ाद किस्म के होते हैं और जो सेक्स रिलेशन कैम करते हैं उनके लिए वो एक ऐसी होती है, लेकिन हम उसको उधर नहीं जा रहे। कहती मैंने वो भी उसके बैग में देखी है। अब कह रही है कि मुझे, मैं तो आई सी शादी करने, लेकिन मैं बहन हूँ, बहन बहन का नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी। तो वो लूसी कहती हाँ ये तो एक जो है ना एक यूजली सी बात है कि बहन बहन का ही सोचेगी ना। तो वो उसको बताती है कि तेरा खावन कितना खूबसूरत था, हैंडसम था, क्यों छोड़ा। उसने कहा हैंडसम था इसलिए तो छोड़ा कि उसके रिलेशन से विद द अदर गर्ल्स और घर तबाह हो रहा था, तो मेरी बच्ची पे असर पड़ रहा था, बच्ची पैदा हुई थी, बच्ची पैदा हुई 2-3 साल की थी, तो डिवोर्स लेके घर आ गई। अब ये 11 पेजेस में ये उनकी डिस्कशन होती है, और जब वो देखती है ना बहन कि ये रिश्ते की तरफ नहीं आ रही, ना इसने मुझे देना है, तो फिर वो जो था ना आखिरी जो अपना आने का मकसद बताती है, दूसरा मकसद वो भी लिखा मैंने। उसने कहा था कि मुझे कुछ इंटरनेशनल एक सोसाइटी है उसके लिए मुझे कुछ चंदा चाहिए, वो मैंने लिखा भी है। उसने कहा मुझे कुछ इंटरनेशनल सोसाइटी है उसके लिए मैं काम करती हूँ और मुझे कुछ उसके लिए चैरिटी चाहिए, तो आप मुझे चैरिटी मिल सकती है वो। और वो उसने कहा था कि जब मैं परेशानी में थी, जब मैं मुश्किल में थी, मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, तो इंटरनेशनल पीस सोसाइटी तो मैं उसके लिए चंदा क्यों दूँ। वो मायूस होती है, अभी बैठी होती है तो कमरे की घर का डोर बेल बजती है, तो एक लड़की आती है जिसका नाम क्लैरीज कैलरीज, कुछ इसको क्लेराइज पढ़ते हैं, कुछ क्लैरीज पढ़ते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो है क्लेरीज। क्लेरीज एक लड़की आती है और वो आकर उस आंटी से यानी कि लूसी से, प्रिमरोज की वालदा से बात करती है अपने भाई के रिश्ते की। उसका भाई का नाम है जॉन है, उसके बारे में मैं कुछ सेंटेंस लिखे हैं। जॉन कौन है वो, जो क्लैरीज अंदर आती है, आके बैठ जाती है अपनी खाला से लूसी से कहती है कि मेरा भाई जो है वो आपकी बेटी प्रिमरोज से शादी करना चाहता है। तो वो माँ कहती है, और साथ वो बताती है कि मेरा भाई कैसा है। वो भाई के बारे में कुछ सेंटेंस लिखे मैंने। तो उसने कहा था कि जॉन, उसका भाई का नाम जॉन है ना, जॉन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग एजेंट, ये उसके बारे में है। ही इज नोन एज अगलीस्ट इन द रग्बी फुटबॉल का वो खिलाड़ी है, लेकिन अगलीस्ट है, वो बदसूरत है, खूबसूरत नहीं है वो। ही इज नॉट चार्मिंग, ही इज नॉट अट्रैक्टिव, ही इज, तो वो कह रहा है वो अगली है, बुरा है, यानी कि बुरा से मराज इस सेंस में नहीं कि करेक्टर का बुरा है, उसकी शक्ल और सूरत एक जो है ना हबशियों जैसी है, हबशी है वो, और वो इतना खूबसूरत देखने में नहीं लगता। और साथ साथ उसका एक और भी कहा, उसका वजन 190 पाउंड है, 190 पाउंड का वजन है, और जस्ट लाइक हिप्पो, ये उसने लिखा भी है, उसने कहा एज मच चार एज हिप्पो, तो उसने कहा कि जिस तरह एक हिप्पो होता है ना उस जैसा। कहती है एक हिप्पो जो है, देखिए हमें लगता है बदसूरत है, उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है, लेकिन हिप्पोपोटस जो है वो कह रही है कि एक दरियाई घोड़ा, तो कह रही है वो देखे लोग देखने जाते हैं, टिकट लेके देखने जाते हैं, खूबसूरत तो होता है ना वो ठीक है वो होता है, लेकिन अल्लाह ने मेरे भाई को ऐसा बना दिया है। लेकिन कह रही वैसे वो बड़ा फनी है, वैसे वो खुश रखता है और उसको भी खुश रखेगा। तो
अब ये सारी जब तारीफें करती है तो सुजन जो है वो कहती है, क्या एक बुल के साथ आप शादी करोगी? तो अब दोनों की नोक टोक होती, वो नहीं चाहती। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उसकी बेटी प्रिमरोज भी आ जाती है और उसके साथ उसका होने वाला हस्बैंड यानी कि जॉन भी आ जाता है। अब लेकिन जॉन मंजरे आम पे नहीं आता, जैसे कहते हैं ना स्क्रीन पे नहीं आता, वो पीछे ड्राइंग उसको डाइनिंग रूम में बिठा देती है और खुद आगे आती है, ये नहीं बताती कि वो मेरे साथ आया है कि नहीं आया। इज इट क्लियर? अब वो कमरे में आती है, कमरे में आके वो भी माँ को, जब वो आती है तो जो ये जो क्लेराइस है, क्लेराइस वो चली जाती है। अब वो खुद आ गई है, खुद अपनी माँ से कह रही है कि मैं इससे शादी करना चाहूँ, तो माँ उसको समझाती है। जब देखती है ना कि माँ की बात नहीं सुनती तो माँ मजबूर हो जाती है और माँ कहती है ठीक है शादी कर लो, और साथ ही माँ सिगरेट लगा लेती है। देखिए सिगरेट लगाना जो है ना ये परेशानी की अलामत होता है, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है, मुसीबत में होता है, वो अपनी परेशानियाँ गम कम करने के लिए सिगरेट से पे सिगरेट पे सिगरेट पीता है। ये हमारा ये ट्रेंड है, परेशानी वाला बंदा ज़्यादा सिगरेट पीता है या शुरू ऐसे करता है। उसकी माँ भी सिगरेट पीती है और स्मोक करती है और जो है धुआँ फेंकती है। तो वो लड़की जो है वो खुश हो जाती है कि मेरी माँ ने मेरे साथ हामी भर ली है इस रिश्ते के लिए। उसने कहा बेटी तूने मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया। उसने कहा अम्मी आप इतनी मसरूफ़ हैं कि मैं आपको चाहती नहीं थी डिस्टर्ब करना, इसलिए मैंने खुद ही ढूंढ लिया, खुद ही तय कर लिया, खुद ही शादी कर लूँगी। इसलिए उसकी माँ जो है ना, उसने फिर आखिर पे एक सेंटेंस बोला है, उसने बोला इफ़ यू आर नॉट काइंड टू प्रिमरोज आई शैल शूट यू। अपने जिसे कहते हैं ना कि दामाद को मुखातब करके आया नहीं सामने, वो अपने आप कह रही है, सोच रही है कि अगर तूने मेरी बेटी को खुश ना रखा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अब वो कहती है कि ठीक है जाओ उसको ले आओ जाके। अब वो लेने गई है, माँ दरवाजे की तरफ देख रही है लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। यहाँ पे प्ले ख़त्म हो जाता है। वापस ना आने का मतलब है कि वो शादी करके चले गए। आपने एक और भी ऐसा ही प्ले पढ़ा था कि जहाँ पे वो शादी करके अपनी माँ के साथ माँ को अकेला छोड़ जाते हैं और वो लड़का चला जाता है अपनी वाइफ को लेकर। तो ये यूरोपियन सोसाइटी में ऐसा ही होता है। शादी तो उसकी हुई उसके साथ लेकिन वो सामने नहीं आया, माँ अकेली रह गई, पहले भी अकेली थी बाद में भी अकेली रह गई, और वो अपनी गाड़ियाँ और सोचती कि मेरी गाड़ियाँ मेरे गैरेज का क्या होगा, कौन संभालेगा उसको। इसी पे प्ले तो ख़त्म हो जाता है लेकिन अपने पीछे कुछ जो है ना बातें छोड़ जाता है। क्या छोड़ता है देखें। आफ्टर मैथ लिखा मैंने, आउटपुट लिखा या कंक्लूजन कह लें, आप कुछ भी कह लें, मोरल कह लें, आउटपुट कह लें। उसने कहा कि इट इज अ सीरियस सोशल इशू। देखिए ना ये कॉमेडी है ना ये ट्रेजेडी है, ये इसलिए नहीं है कि ये एक सीरियस सोशल इशू है। और ये मैंने कहा इट इज वेरी कॉमन इन द यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, ये कोई मसला नहीं है सिगरेट पीना, नशे करना और छोड़ जाना वालदैन को, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर आर्टिफिशियलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन, अपोजिशन, ये चार तीन चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी और तीनों चीज़ों को उसने स्मोक स्क्रीन कहा है, क्योंकि जब वो हैं वो हैं नहीं। और इसी चीज़ को आर्टिफिशियलिटी कहते हैं, बनावटी कहते हैं, और इसी चीज़ को कंट्राडिक्शन कहते हैं, इसी चीज़ को अपोजिट कहते हैं, उल्टी बात। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम मिटाने के लिए। तो ऐसा ही इसने कहा था कि मैं अपने गम मिटाने के लिए पीता हूँ, इसी को उसने स्मोक स्क्रीन कहा है। और ये ऐसे नहीं कहा उसने, क्योंकि उसकी खाला उसको रिश्ते से इनकार करवाना चाह रही थी अपने बेटे के साथ जोड़ने के लिए। उसने खाला को कहा था, उसने खाला के लफ्ज़ बोला था कटल फिश। कटल फिश कहते हैं ऐसी खूबसूरत मछली जो जहरीली होती है, और वो जब उस पर कोई अटैक करता है तो अपने ऊपर वो पानी फेंक लेती है, अपने ऊपर वो मड फेंक लेती है जिससे नज़र नहीं आता, वो अटैक से बच जाती है। और यही स्मोक स्क्रीन, यही तो स्मोक स्क्रीन है। और ये वर्ड जो थे वो प्रिमरोज ने बोले थे, वो मैंने लिख भी दिए हैं, ये देखें, उसने बोले थे प्रिमरोज ने, उसने कहा था कि देखें शिहांग, फिर उसने कहता था देखें द वन दैट द स्कल्स ऑफ द फ्लड इन इंक इन हाइट इन फ्रॉम अटैक, अटैक से बचने के लिए अपने ऊपर वो फेंक लेती है पानी, लाइक अ स्मोक स्क्रीन। ये वर्ड जो थे ये प्रिमरोज ने बोले और मैंने सेम के सेम लिख दिए हैं। अब जब पता चलता है कि
प्रिमरोज को कि अम्मी राजी होगी तो अपने दिल में गुनगुनाती है, दो चार वर्ड उसने बोले हैं, वो सेम वर्ड मैंने लिखे हैं, शी हम्स अ फ्यू बार्स ऑफ द वेडिंग मार्च, शादी के उसने दिल में कुछ गाना गाया है, दिल में कोई बात बोली है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब ये ख़त्म हो रहा था, माँ राजी हो गई थी, आई थी कमरे में, उसने आके वही गाना सुना था जो खला सुन रही थी। कौन सा गाना था? यही था, द राइड ऑफ द वाल्क्रीज। तो वाक्रीज का जो गाना है, यानी कि वाक्रीज कहते हैं मेडन गर्ल्स को, जो हीरो हीरो जो हीरो हीरोज की लाशें उठाती हैं जंग से, और फिर वो अपने ओडन के पास, यानी कि अपने देवता के पास लेके जाती हैं, पैराडाइज में लेके जाती हैं। तो उसने भी वही गाना सुना था। तो अब ये सारी बातों को मिला के और उसके बाद मैं आपको बता रहा था व्हाट वाज द रिजल्ट। तो लव मैरिज ह्यूमन फ्रीडम, ये दोस्त के निकलते हैं, लव मैरिज और ह्यूमन फ्रीडम की वहाँ आज़ादी है। लव मैरिज है, आप रोक नहीं सकते किसी को, मजबूर नहीं कर सकते शादी के लिए, सिगरेट से मना नहीं कर सकते, नशे से मना नहीं कर सकते, और ये सारा कुछ मिला के आपको इस प्ले में नजर आएगा। फिर मैं इसके लिए एक ही मैंने लफ्ज़ निकाला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम किसी को ज़्यादा एक्सेस दे देते हैं, ज़्यादा डील दे देते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट यही निकलता है। फिर है थ्री करेक्टर्स, इसमें तीन करेक्टर हैं, सूजन है, लूसी है और प्रिम रोज है। तीनों अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग थॉट्स को डील करते हैं। प्रिम रोज जो है वो एक न्यू जनरेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है कि न्यू जनरेशन कैसे है, क्लबों में जाते हैं और स्मोकिंग करते हैं और यशी करते हैं वगैरह वगैरह। और जो उसकी माँ है वो एक वर्किंग लेडी है, और वो भी एक मॉडर्न है, स्मोकर है, लेकिन वो शहर में रहने, शहर की जिंदगी को वो प्रमोट करती है। उसकी जो सूजन है, खाला है, वो गांव की ज़िंदगी को प्रमोट करती है और वो खुश है और थोड़ा सा मजबूत भी दिखाई गई है। और उसके बाद है इन मैरिज लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल ब्यूटी। यही उसने कहा था कि लव जो है ना, अपनी माँ से कह रही थी, अम्मी आपने एक खूबसूरत आदमी से शादी की, वो आपको छोड़ गया ना, मैंने इसका अपोजिट किया है, तजाद किया है, तो मैं एक बदसूरत आदमी से शादी कर रही हूँ और मुझे छोड़ेगा नहीं। बल्कि उसने कहा था कि ही मेक्स मी फुल ऑल फनी इनसाइड, वो मुझे हंसाता है, मुझे खुश रखता है वो। तो अब इसके साथ व्यूअर्स ये वन एक्ट प्ले खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।